ओके ब्लैक के डाल दिया, ठीक है। इसके पास चाबी है जो मुझे चाहिए। आप देख रहे हो अर्श के बहुत सारे ब्रांड न्यू स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम की वीडियो में। और हाँ, अब ब्लैक कैट से फाइट चल रही है और थोड़ा लंबा पार्ट चल रहा है। मैं जानता हूँ आप जानते हो कि ब्लैक कैट, आप जानते हो तीन बार फाइट होगी ब्लैक कैट से। मैं एक बार कर चुका हूँ, दूसरी बार भी होगी, फिर तीसरी बार होगी जब जाके ब्लैक कैट हारेगी। उसमें लंबा पार्ट है और बीच में कुछ और भी फाइट्स हैं, तो उसमें लंबा पार्ट है काफ़ी। तो आप एक पार्ट तो होने से रही, ठीक है। तो अगर आपने गेम अब तक डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ आपको इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, जाके फॉलो कर सकते हो, मुझे जाके पूछ सकते हो भाई मैसेज करके भाई मुझे स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम डाउनलोड करना है, बता दूँ बता दूंगा। और नए हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करके लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि चैनल बहुत सारे गेम बड़े बड़े से GTA 5 एंड्रॉइड, GTA 4 एंड्रॉइड जानते ही हो आप, अगर देखते आ रहे हो तो बहुत पैसा नया उसलिए बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते गेम छोड़ता, चलिए शुरू करता। ओके, तो मैं यहाँ था पिछली बार और अब मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी आगे, क्योंकि अब ब्लैक कैट से मुझे जल्दी से फाइट लड़नी है, क्योंकि टाइम बर्बाद बहुत हो रहा है। पहले मेरी जेन ने करा, अब ब्लैक कैट कर रही है, दोनों लड़कियों ने तो की कर रखा है गेम के अंदर। पर हाँ ओके, तो मैं एक्चुअली सोच रहा था वैसे लाइव स्ट्रीम में करने की, पर डिमांड लाइव स्ट्रीम में ये आई थी कि स्पाइडरमैन वेब शैडोज लाओ, तो मैं इसको नहीं लाऊंगा लाइव स्ट्रीम में। और बाकी डिमांड के ऊपर, अगर अगली लाइव स्ट्रीम में आपने डिमांड करी कि भाई स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम ही लाओ, तो मैं वैसे सोच ही रहा था कि दोनों जो गेम के एंड होंगे, वेब शैडोज या एज ऑफ टाइम जब भी होंगे, दोनों का एंड मैं लाइव स्ट्रीम पर क्या करूँगा, मैं ये सोच रहा था वैसे तो फिलहाल। पर देखते हैं भाई गेम, वैसे मुझे लगता है ये वाला गेम जल्दी ख़त्म हो जाएगा जो क्योंकि गेम छोटा है थोड़ा सा, और आपको विश्वास नहीं करोगे आधे से ज़्यादा गेम कंप्लीट हो चुका है। और मुश्किल से मेरे ख्याल से दो फाइट रह गई हैं, एक CEO की फाइट रह गई है और एक एंटी वैनम जो मिक्स एंटी वैनम है ऑक्टोपस वाला, वो उसकी फाइट रह गई है। बस ये दो फाइट्स रह चुकी हैं मेरे हिसाब से ब्लैक कैट के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, ओके यहाँ बंदे हैं, पर इनको पता नहीं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ओके वहाँ से मुझे जाना है, ओके यहाँ से जाना है, अच्छा क्या पता नहीं क्या करना है। चलो मारते हैं इनको, आ जाओ भाई मारो भाई, चलो हट यहाँ से। पता है मैं धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा हूँ उस गेम फाइटिंग स्किल्स के मामले में, जब से मैं बॉस फाइट लड़ी है मैंने, खासकर ब्लैक कैट से। पहले पता है मैं इतनी अच्छी फाइट नहीं कर पा रहा था उस गेम के अंदर, अब ज़्यादा थोड़ा सा ही कर पा रहा हूँ। आ रहा हूँ बेटे, बहुत बुक कर रहा है, आ रहा हूँ। मर गए सब, बड़े जल्दी मर गए यार। ओके कोई नहीं है ना पक्का, तो क्या कोई नहीं, चलो इनको कलेक्ट कर लेते हैं फिर। और ओके वहाँ स्पाइडर है, पहले स्पाइडर के पास चलते हैं। इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं, उनको इसे भी कर लेते हैं कलेक्ट, अभी है तो आ जा भाई। चलो एक स्पाइडर मिल गया, अब चलते हैं यहाँ से, और कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो काफ़ी लोग यहाँ पे मुझसे कहते हैं भाई तुम ZRs क्यों नहीं यूज़ करते, जैसे मैंने वॉर गेम्स में करा था। इसका रीज़न भाई यही है कि मैंने वेब शेड उसका लेआउट लगा रखा है। और हाँ ओके ब्लैक कैट आ गई है, ठीक है। इसके पास चाबी है जो मुझे चाहिए। यार सही बताऊँ तो उससे लड़ने का मन नहीं है मेरा, जितनी तुम प्यार काफ़ी प्यारी है सही बताऊँ तो, पर लड़ने का संबंध नहीं है। पर ये हरकत ऐसी कर रही है, इसे मुझे मारना पड़ेगा। वैसे मुझे एक बात जाननी है, ये ब्लैक कैट कौन सी वर्जन की है, क्योंकि 2099 की टाइम की है और ये हमारे पीटर पार्कर को जानती है, पुराने पीटर पार्कर को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसका ऐसा क्या हुआ है जो ये इतना गुस्सा है इससे। और दूसरी बात मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये इस टाइम में कैसे है, मतलब ये टाइम जो फ्यूचर वाले टाइम में, मुझे जानना है इस चीज़, मुझे पता नहीं है क्योंकि इसको कुछ भी समय, क्योंकि ये वो तो नहीं लग रही फ्यूचर की, नहीं लग रही मुझे फ्यूचर की ब्लैक कैट इसे कैसे जानती होगी पीटर पार्कर को, और फिर इसे क्यों मारना चाहेगी, जाहिर सी बात है वो भी इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि ये तो पुरानी ब्लैक कैट ही कर सकती है, और लगी पुरानी रही है मुझे ये, और जैसे लग रहा है पास से आई हो, पास से ही यहाँ पर क्या करना है, और ये ईवल क्यों बन चुकी है, मुझे सब कुछ जानना है।
मुझे इतना समझ आ रहा है कि सर किसी ने चेंज कर दिया है, शायद उसका कुछ करा है इन्होंने, मतलब कोई साइंटिफिक वगैरह कुछ होता है ना ये सभी वाल काम वगैरह वगैरह वही सब कराया, पर कैसे हो क्यों समझ नहीं पा रहा मैं कुछ भी। जितना मैं जानता हूँ उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है ब्लैक काइट को, ये बहुत ज़्यादा शार्ट मतलब चालाक दिखाई है और मतलब हाँ। तो फिलहाल तो उसका पीछा कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है यार ये, मुझे उसका पता नहीं चल रहा कहाँ जा रही है, कहाँ पर है। अच्छा वो रही, अच्छा वो खड़ी है यार नीचे खड़ी है, कहाँ गई अब कहाँ चली गई। हो रही हाँ भाई ओके फाइट, चलो तो अपना पुराना पैतरा स्विंग करते करते मारना। यार तीन तीन ब्लैक कैट एक साथ लड़ रही मुझसे, कहाँ है अपनी ओरिजिनल ब्लैक कैट, क्योंकि उसे डैमेज देने से फायदा है मुझे, बाकी किसी को डैमेज देने से फायदा नहीं। अरे तो भाग रही है बहुत, तो पड़ी इसको पड़ी जी मार रही है लगता है। ये अच्छा है मैं घूम सकता हूँ आराम से, ऐसा नहीं कि गोल घेरे में डाल दिया उन्होंने मुझे। ये ट्रिक अच्छी है भाई, स्विंग करते करते ऐसे मार ली, डैमेज कम खा रहा हूँ इस तरीके से, डॉज भी हो रहा है इसके और बच में उसे अटैक मार भी पा रहा हूँ। ये देखो ये बंदा मैं ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, मुझे कुछ करने नहीं दे रही। थोड़ा बच के रहना पड़ेगा यार इस साथ में, हेल्थ कम है काफ़ी मेरी, ओके मरने वाली है मरने वाली है, अभी एक फाइट और है इससे मैं बता रहा हूँ आपको। ओके हो गया काम, ओके भाग गई फिर से, फिर फाइट थोड़ी सी ट्रिकी है पर सही है। पहले मैं हेल्थ ले लेता हूँ, हेल्थ नहीं पाऊँगा बस। ओके तो बस फिलहाल शूट में इतना ही, फिलहाल वीडियो को फिलहाल यहीं रोक रहे हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे यहीं से और यहीं से मिलेंगे और ब्लैक कैट को ख़त्म कर देंगे मेरे से उस पार्ट में।
जानता हूँ बोलते हुए काफ़ी अजीब लग रहा है, पर करना पड़ेगा, मजबूरी है, चाबी चाहिए। और इससे पहले कि आपने पार्टी दिखा दे लेना, बाद के पार्ट देना चाहते हो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और डाउन कैसे करना आपको पता ही होगा। और ये चौथी वाली वीडियो तो बहुत बड़े हैं, ये भी चौथा और GTA 4 GTA 5 जानते हो कितने बड़े गेम है, बढ़ जाए गेम है। मिलते अगले पार्ट के लिए, बाय, टेक केयर, गेमिंग करते रहो, खुश रहो, बाय, टेक केयर।